देखिए यहाँ का सनराइज है, मतलब इतना दिख ही नहीं रहा होगा वो। सूर्य की मॉर्निंग, राम राम, राम राम जी, राम राम। ये सुबह सुबह जाने, मतलब अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। 8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। डेली सुबह सेविंग करनी पड़ती है, गालों में दर्द होगा क्या? बट क्या है, ड्यूटी के लिए तो ड्यूटी है ना, करना पड़ेगा सेविंग। और क्रीम वगैरह नहीं लगाता मैं डेली। ये हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, आगे कैसा हमारा दिन जाता है, हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जो भी है हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखो बाहर का कुछ अलग ही मजा है, आगे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ही गर्म मौसम है। आया तो बड़ा बड़ा बना के तैयार आ गया, शाम में आते हैं हम और ड्यूटी की तैयारी करा। अभी आऊँगा 8-8.30 बजे निकलना पड़ेगा, फिर गाड़ी आएगा, गाड़ी में फिर बैठ जाओ 25-30 किलोमीटर दूर। ये हमारे दिन की शुरुआत है, आगे क्या होता है, कहने का मतलब नॉर्मल जो सबकी लाइफ है वही हमारी लाइफ है, लेकिन आगे जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये स्टार्टिंग है, इसलिए आप सबको गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबकी भी सुबह अच्छी होती है, हमारी तो हमेशा अच्छी होती है। अभी दिन हुआ है, अभी नहाएंगे धोएंगे, चाय पियेंगे, फिर घर से निकलेंगे, फिर वापिस शाम को आएंगे, नमो माली चाय बनाएगी, पियेंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। पर उसमें कुछ दिन में जो एक्टिविटीज होती है उसकी आपको पूरे व्लॉग में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और मैं ये नमो नाम का रिपीटेशन बार बार मिलेगा। मैं होटल जाता हूँ, जो मैं होटल का जो रूम से होटल तक पहुँचने का जो रास्ते का व्यू है ना, आप देखेंगे ना, शायद उदयपुर का बेस्ट ट्रिप होता है वो। इतना सुंदर, बीच में इतने टूरिस्ट प्लेस आते हैं। शायद आपने सुना होगा एक लेंगे जी, जो महादेव है, जिनको मेवाड़ के राजा बोले, तो वो भी हमारे रास्ते में आते हैं। सास बहू का मंदिर, उदयपुर की टनल, ये सभी। और वहाँ का टनल का जो व्यू है ना, जाता है मेरे हिसाब से तो, हमारा तो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ, हमने दिन की शुरुआत में कुछ अच्छा किया था, तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही जाएगा। उदयपुर में क्या है, हम अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सारा बहुत कुछ अरेंज करना है अभी तो। सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं ये, पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन ये आने के बाद शुरू। बिल्कुल पास पास है क्या, चांद और सूरज बिल्कुल पास पास है, देख ध्यान से देख, मैं वो देखने में नजर आ रहा है। चाय तैयार हो रही है, नमो तैयार, ये देखिए कुल में की ना दुकान।
मिर्ची बड़ी खा रहे हैं, मिर्ची बड़ी खाएंगे। ये आके मिर्ची बड़ी फेमस है तो हम खा के देखते हैं। वो भी छोटी मिर्ची वाले बैरू जी का मंदिर है हमारे रूम के पास ही। यहाँ एक दादी हैं जो हमेशा कोई भी आए या जाए उसको जरूर पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसलिए उनको बताना भी जरूरी है। गिरेगी क्या? वो मेरा रूम है और ये चिड़ी की मंदिर का। खमागणी, राम राम, सत श्री अकाल। सलमान खान तो आंगे बट जो भी है खमागणी, आप सभी ने राम राम। और तो दिन में आप देख ही रहा होगा कि सुबह उठने के बाद पूजा वगैरह करके मैं चाय वगैरह करके अपना होटल निकल गूँ। और उसके बाद में होटल में रास्ता में कुछ वीडियो वगैरह बना लिए जो थे, देख लिया वो वीडियो में आ गए। और होटल में मन टाइम मिले उन्हें आज पूरे दिन भर बिजी हो क्योंकि लोग अगले संडे फंडे हो जाए, बट मेरे लिए आज कुछ ज़्यादा वर्किंग डे हो। और ना मूवी वेट आज तो भगवान जितना अच्छा हो घर में उतना ही अच्छी बात है। आज पूर्णिमा थी और मैंने सुना है कि इस दिन मतलब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए इसलिए मैं लेके आई इतनी नॉलेज। और दूसरा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, आप सभी को पता ही है। तो हम मार्केट गए थे और उसके बाद आने के बाद मैंने यहाँ खीर बनाई और उसको अभी आपके साथ रखने चलेंगे छत पे, आप देखेंगे ऊपर छत पे छत पे जाएंगे। और हम बोलते हैं कि इस खीर को छत पे क्यों रखा जाता है ये तो आप और नमो छत पे जाके बताएगी आपको कि छत पे छत इसको पता है। और थोड़ा देखते हैं दीदी वगैरह शायद ऊपर आएंगी छत पे तो वो बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं, बट इनको ये बताएंगे आपको कि छत पर खीर शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों रखी जाती है। वीडियो एंड तक देखें, आपको पता होगा लेकिन मुझे जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करिए लेकिन पहले हमारे साथ चलिए छत पे देख चलते हैं और फिर वीडियो दिखाते हैं आपको। नमो बताती है आज आपको शरद पूर्णिमा का चांद दिखाते हैं, आपने देखा होगा पर उदयपुर का सॉरी आपने अब जयपुर का सीकर का जहाँ से भी मैं हमारा वीडियो देख रहे हूँ आगे देखा होगा, पर उदयपुर का हम दिखा देते हैं। और चंद्रमा एक ही पर आप हमारी तरफ से देख लीजिए है ना। और दूसरी बात खीर भी खाएंगे वो अभी नहीं वो सुबह खाएंगे, सुबह खाई जाती है क्योंकि चंद्रमा के दिन जो खीर रखते हैं वो सर्वपूर्णिमा के दिन जो खीर वगैरह रखते हैं वो दिन में खाई जाती है। तो
तो चलिए नमो और हम दोनों ऊपर चलते हैं, आपको चंद्रमा के दर्शन भी कराते हैं, चंदा मामा को भी दिखाते हैं, और हमने तो आशीर्वाद ले लिया है। वैसे हमारे बालकनी से सीधा व्यू आता है, वो बालकनी वाला व्यू भी आपको दिखाएंगे बाद में। तो अभी अपन चलते हैं छत के ऊपर, चलिए। ये हमारे ओनर्स हैं जो मकान के, उनका नेचर भी बड़ा अच्छा है, वो उनको किसी कोई मतलब नहीं है किसी से, बस। तो चंदा मामा को देखिए, लाइक जैसे एक लाइट जल रही हो। चंदा मामा, ये रहे चंदा मामा। चंदा मामा पास में एक तारा भी है, इनको क्या बोलते हैं, शायद ये भी आज के दिन एक ही तारा है पूरे आसमान में। और ये हमारे छत से भी आता है, सामने पहाड़ वगैरह बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही बिल्डिंग्स हैं। और नमू ने भी ये जो आपकी ये खीर वगैरह पूर्णिमा के दिन जो प्रसाद बनाया जाता है, हमने बनाया और ये जो छत पे रख दिया है, तो माना जाता है वैसे हिंदू समाज में यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर वगैरह बनाकर छत पे, लाइक प्रसाद के टाइप में वो छत पे बना के रखी जाती है, और खीर वगैरह बना के रखी जाती है। और चांद दीदी और आप भी चांद देखने आए हो क्या ऊपर? हाँ। ये चांद की रोशनी में प्रसाद खाने आए हो? ये व्रत के गए उसके बाद। हाँ। तो ये अब मॉर्निंग में खाओगे खीर है ना? नहीं, हमारे तो जैसे नाइट पर रखते हैं, फिर उसको दिन में खाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई भी नहीं खाता, वैसे खाना तो दिन में चाहिए ना इसको। आप बताना चाहोगे कि मतलब आज क्या रीजन है कि चांद की रोशनी में पता नहीं ऐसे रख दी, बस सब रखते हैं कि बिल्कुल नहीं, इसलिए रखी गई है कि आज जो चंद्रमा है वो अपनी जो इनकी 16 कलाएं होती हैं उनसे उनसे परिपूर्ण होता है, और वो जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है हमारे इस प्रसाद पे, फिर इसको हम सुबह खाते हैं, तो ऐसा मतलब कहा जाता है, माना जाता है कि हम हमें कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, वो दूर हो जाती है। बहुत इसलिए, बहुत खूब पढ़ा है आपने। हाँ, इनके बारे में खूब पढ़ा है, और इसलिए हमने ये प्रसाद बनाया है। बहुत बढ़िया। हाँ, खीर भी दिखा, खीर दिखा दी ना व्यूवर्स को, आप देख सकते हो ये गाय के दूध की खीर है और भैंस के दूध की। अच्छा, वो किसकी है दूसरी वाली? ये दीदी ने बनाई है और ये मेरी है। अच्छा, प्रसाद है, प्रसाद के टाइप में खाना चाहिए आपको, जो अच्छा लगे, गाय के दूध वाले अच्छे लगे तो मिले, जैसे हमें पता है कि चलो सर पूर्णिमा खीर बनाते हैं, हर साल खीर। क्यों, पहले पता नहीं था आपको? नहीं, पहले पता नहीं था सर पूर्णिमा क्या होता है, यहाँ आई उसके बाद पता चला। हाँ, कई बार होता है कि किसी को नहीं पता होता है। अब जैसे हमने तो बचपन से देखा है कि हमारे घर में हर शरद पूर्णिमा को ऐसे प्रसाद बनता है, उसको हम छत पे रखते हैं, या तो क्या है कि डर नहीं है कि बिल्ली वगैरह आ जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये बात है, ये तो है यहाँ पर। हाँ, ये हमारी दीदी है, बहुत ही अच्छे हैं। नेचर तो अच्छा है, नेचर तो इनके बच्चे इनसे भी अच्छे हैं। हाँ, वो जैसे हम ये आए तो मतलब वैसे भी आपको पता है सिटी में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। मैं रूम मतलब ये सुबह 8:30 बजे चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे चिरू भी स्कूल जाती है, इनकी जो बड़ी डॉटर उनका नाम चिरू है, चिरयू, चिरयू गर्भ चिरू बोलते हैं, और छोटा इनका बेटा है वो है छवित, तो उन दोनों से इतना अच्छा लगता है कि मैं पता नहीं चलता पूरा दिन कैसे बीत गया। और शाम को हम आई जाते हैं, फिर हमारा आने बाद मन लग ही जाता है इनका, वो भी आ जाओ।
लक्षित आवाज लगा रहा नीचे से, मम्मा मम्मा अपना प्रसाद लेके जा रहे हैं। सही बात है, आप तो खाओ, हम तो हमने तो खा लिया, हम दिन में खाएंगे ये। हम भी सुबह खाते हैं, वैसे पूरी रात रखते हैं छत पे, बट अभी कोई जानवर है, कोई जानवर बिल्ली वगैरह नहीं आई, बट कुछ भी कोई भी मन में से रहता है कि कोई जानवर छोटा मोटा जानवर फिर भी नहीं। वैसे हम हमारे नीचे जैसे हमारे रूम के जस्ट बाहर बालकनी है, तो बालकनी में रख देंगे बाहर हम वहाँ पर, तो वहाँ इतना डर नहीं है किसी जानवर का। तो चलिए नीचे चलते हैं। नहीं आपको सही बात है, दीदी पूछ रही है प्रसाद लेने के लिए, तो वैसे अब हम तो सुबह दे वहां बालकनी में रख दो। ये हमारे फ्यूचर साइड, फ्यूचर के, हाँ फ्यूचर के बच्चे, फ्यूचर चिल्ड्रन, फ्यूचर के बच्चे। ये देखो रोशनी कर सकते हैं यहाँ पर भी, और ये हम बालकनी में खड़े होकर आपको नजारा दिखा सकते हैं, और यहाँ से जो मॉर्निंग का व्यू आता है ना, उसका भी एक अलग ही मजा है। तो आज सर पूर्णिमा के दिन आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है, ये शायद हमारा सबसे अब तक का सबसे अच्छा व्लॉग रहेगा, जिसमें हमने आपसे समथिंग 10 से 12 मिनट बात करी है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए जिससे हमारा भी क्योंकि मतलब बढ़ता रहे और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। एक्चुअली क्या है कि मेरा व्लॉग बनाने का ये मतलब, क्योंकि मैं जब ड्यूटी तक जाता हूँ 2 से 4 दिन मौके लिए घर पर रहती, तो मैंने इन्होंने बोला और मैंने भी ये बोला था कि आप व्लॉग वगैरह बना लीजिए, तो जिससे लोगों का सपोर्ट रहेगा, जिससे आप भी आगे बढ़ जाओगे और आपका मन भी लगा रहेगा एडिटिंग वगैरह करने में। और हाँ उनके लाने आपको पता है, एक वीडियो जो लेडीज वगैरह देख रही हैं, वो उनको पता ही कि पूरा दिन काम में भी निकल जाता है, 12-1 बजे तक तो वो काम में वैसे बिजी हो जाते हैं, और डेली तो कभी कोई मार्केट कोई भी मार्केट नहीं जाता, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, बट कभी ना कभी तो उनको टाइम पास नहीं बोल सकते। अभी ऐसा है कि घर में मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ब्लॉगिंग अच्छा है, चलो जिससे आप लोगों से बात हो जाएगी और नमो का मन लगा रहेगा, और फिर छवीत है, चिरयू है, दीदी है, उन इनसे सबसे बात करते रहती है पूरे दिन, इसका मन लग जाता है। और वो चीज़ हम आपके साथ शेयर, ये ब्लॉग में आपने देखा मैं कितना ज्यादा बोल रहा हूँ, नमो बिल्कुल भी नहीं बोल रही, हाँ बट वीडियो में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, वैसे ये ज्यादा बोलती है, मैं कम बोलता हूँ मैं सुनता हूँ बोल दी, ऐसी कोई बात नहीं, बोलने की जगह ये भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जो इंसान फोन पे इतना बोल रहा है वो रियल में बोलते होंगे। नहीं अभी ये कोई इशू नहीं है, बोल रहे हैं अच्छी बात है, बोलने वाला भी इंसान होना चाहिए। तो चलिए खमा गणी, गुड नाइट, सोते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, ये मैंने आपको 3 बार बोल दिया, अब 4th बार आपका काम है, आप खुद करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।